हाँ तो बच्चों, आज हम अपने दूसरे पाठ हमने पढ़ा था कल अनमोल रस्सी, तो आज इसके संक्षेप में व्याख्या कर लेते हैं। तो ये कहानी बादशाह अकबर और उनके दरबारी बीरबल की है। तो बीरबल से उसके दरबारी, बाकी दरबारी अकबर के काफ़ी जलन कर जलते थे, ईर्ष्या की भावना थी। वे नहीं चाहते थे कि महाराज बीरबल से प्यार रखें, और अकबर बीरबल को बड़ा प्रेम करते थे, उनका बड़ा सम्मान करते थे, उनको अपना पसंद करते थे। क्यों? और हमेशा अपने पास रखते थे, क्योंकि वे बहुत चतुर थे, समझदार थे, और उनकी हाजिर जवाबी काफ़ी प्रसिद्ध थी। उनके दरबार में उनका साला जिसका नाम खुसरो था, वो भी दरबारी ही था, और उसको काफ़ी जलन थी क्योंकि वो अकबर का रिश्तेदार था। तो उसने क्या किया, उसने अपने बहन को बताया कि मुझे भी दरबार में ऊंचा पद मिलना चाहिए। तो बहन ने क्या किया, सिफारिश किया बादशाह से कि आप मेरे भाई जिन भाई का नाम क्या था, जीनत का भाई खुसरो, तो उसने कहा खुसरो को आपको बीरबल से ऊंचा पद देना पड़ेगा। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि चलो दोनों की परीक्षा ली जाए, परीक्षा में जो सफल होगा उसको ऊंचा होता मिलेगा। जीनत मान गई। फिर महाराज ने एक रस्सी का टुकड़ा दोनों को दिया, किसको, बीरबल को और जीनत के भाई खुसरो, दोनों को। उन्होंने कहा कि जो अधिक धन कमा के लाएगा वही, उसी को ऊंचा ओहदा या पद मिलेगा। दोनों तैयार हो गए। खुसरो नगर सेठों के पास गया, उसने कहा कि आपको ये रस्सी बादशाह की है, अकबर की, आपको ये खरीदनी पड़ेगी। और उसने डरा के लोगों से 50,000 स्वर्ण मुद्राएं ले ली। सबने भी कहा क्यों भाई, अकबर के साले को क्यों दुखी दुख किया जाए, दुख दिया जाए, नहीं तो वो कुछ भी हमें सजा दिलवा सकता है। बीरबल ने क्या किया, वो सबसे पहले नगर सेठ की हवेली पे गया। नगर सेठ सब पूरे पूरे नगर का सबसे धनी सेठ था, और उसके हवेली की आगे उसी रस्सी से नाप लेना शुरू कर दिया। और उसने कहा कि आपका आपकी हवेली तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बादशाह सड़क को चौड़ी करवाना चाहते हैं। और इस बदले में उसने क्या किया, अशर्तियाँ मांगी, किससे, और सबने, जितने भी सेठ थे सबने उनको अशर्फी दे दी। और ऐसे करके बीरबल ने अशर्फियाँ जमा की, और आखिरी में उसने 5,00,000 सोने की अशर्फियाँ जमा कर ली। अगले दिन जब दरबार लगा तो बीरबल और खुसरो दोनों पहुँचे। खुसरो बहुत खुश था क्योंकि उसने 50,000 स्वर्ण मुद्राएं जमा की थी, और उसे, और जब उसने देखा बीरबल खाली हाथ आ रहा है, उसके हाथ में वही रस्सी है, तो उसने सोचा कि अरे ये तो रस्सी बेच भी नहीं पाया। तो लेकिन क्या है, जब उसको पता चला कि बीरबल जीत गया है, बीरबल ने 5,00,000 स्वर्ण मुद्राएं राजा को जमा करा दी, और उसने कितनी कराई थी, उसने मात्र 50,000। तो महाराज काफ़ी खुश हुए, और उन्होंने उन्हें और जीनत और खुसरो दोनों शर्मिंदा हो गए, क्योंकि बीरबल ने इस बार भी अपनी समझदारी बुद्धिमानी से उनको हरा दिया था। जो हमारे पाठ का संक्षिप्त में सार था, इसके शब्द अर्थ हम लोग देख लेते हैं। बादशाह, राजा, ईर्ष्या, जलन, ओहदा, पद या स्थान। कान भरना एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है चुगली करना। परीक्षा, इम्तिहान, अनिच्छा, बिना इच्छा के, बिना मर्जी, होश उड़ जाना, होश उड़ गए, ये भी एक मुहावरा है, अर्थ है घबरा गए। अशर्फियाँ, सोने के मोहरे, खाक में मिलना, धूल में मिलना, तशरीफ लाए, आए, सेवक, नौकर। तो कल हम इसके पाठ के मौखिक प्रश्न को
एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, इंटरेक्टिव सेशन में हो सकेगा तो इसको हम लोग लेंगे।